सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई गगनदीप सिंह, एम ब्लॉगर। जैसे कि आप देख सकते हैं, दीपांशु भी आ गए हैं। अब जाने वाले हैं हम सावन के घर, और उसके बाद जाएंगे कहीं घूमने के लिए। बहुत मजा आने वाला है गाइस, वीडियो के साथ बने रहो। फाइनली पहुंच चुके हैं सावन के घर। कल की तरह जिस तरह पहुंचे थे, आज भी उसी तरह। आज ड्राइवर थे बोल के नहीं पहुंच पाए थे, आज अभी पहुंचे हैं। रोड में पहुंचने के बाद पहुंचे। वैसे 2 घंटा पहले ही पहुंचे थे क्या भाजी जी? एकदम जरूर भाई। तो देख सकते हैं गाइस, काफी खूबसूरत पार्क है, काफी अच्छा लग रहा है गाइस। अंदर जाने का मन कर रहा पर अंदर नहीं जा सकते हैं अभी। Mirror so foggy but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no way. तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे फाउंटेन, एक छोटा सा, काफी खूबसूरत लग रहा है। और पूरे पार्क का नजारा देखिए गाइस। देखिए अंकल जी यहाँ तबला बजा रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं तबला बजाते हुए। नहीं अच्छा लग रहा है, इसका आवाज भी आ रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम बारेड़ी पार्क में इंटर कर चुके हैं। देखिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और सावन भाई तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फोन का डोल मेल हो रहा है, देखो हवा चल रहा है तो काला का फन आ रहा है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं डायमंड पार्क, श्री दोरबजी टाटा पार्क में। और मैंने घर पे चिकन दे दिया है बनने के लिए, और आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। एंड सबसे पहले थैंकफुल रहूँगा गगन भैया और दीपांशु भैया कि आज ये लोग खातिरदारी कर रहे हैं हमारा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग भी गाइस यही चीज़ बोलूँगा, आप लोग कभी भी आओ जमशेदपुर में टाटा, कहीं भी इनके कमेंट बॉक्स में बस ये लिख दो तो कहाँ आ रहे हो आप लोग लेने मेरे। एकदम तो और बेशक आप लोग का स्वागत किया जाएगा बहुत अच्छे तरह से। जिस तरह आप लोग प्यार देते हो, इस प्यार को बस बरकरार कर रहे हो। और क्या बोलो भाई, और आपको तो पता है आंटी कितना अच्छा खाना बनाती है, और मोनू भैया अगर चिकन बना देंगे तो फिर बस बस बात ही क्या है उसमें। गाइस इन्होंने ऑलरेडी एक बार खाना चिकन खाया हुआ है और आलू पराठे भी खाए हैं। मैं तो डेली खाता हूँ। इनका मॉर्निंग वाइब अलग ही पीसफुल, एंड जो वाइब होता है नेक्स्ट लेवल। क्या तो गाइस हम लोग अभी गगन के घर जाने वाले हैं। तो गाइस खाना हो चुका है रेडी, और पहले फिलहाल खाना पे कंसंट्रेट करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं टेस्ट। और टेस्ट के बारे में क्या बात है, आंटी जी का हाथ का मतलब जादू है, तो खाना तो मतलब एक नंबर बनने वाला है। पूड़ी भी आ गया इधर, यहाँ पूड़ी भी आ गया, रब भाई पूड़ी भी लेके आ गए। तो चलिए पहले खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो फाइनली हम घर आके डिनर कर चुके हैं, काफी पूरा डबरू हो चुका है गाइस। पूरा फूल चुका है, अब खाली जाके सोना है। एडिटिंग भैया जी करेंगे, एडिटिंग करना है। हम लोग से नहीं हो पाएगा गाइस, नींद आ रहा खतरा टाइप से समझे। और बाकी दिल से शुक्रिया पाजी भाई को, मैं तो गगन पाजी का एडिटर था ही, आज से इसका भी हो गया। और हेलो गाइस का भी तो एक्सपोर्ट हुआ, तुरंत फाइल एक्सपोर्ट हुआ। हेलो गाइस का भी मतलब मैं ही एडिट कर तो बस गाइस क्या बोलेगा, खाने पीने सब हो गया है, अब बस
क्योंकि रात भी बहुत ज्यादा हो गया है, 11 बज गया था गाइस। अभी फिर बोलेंगे सब लोग निकलेंगे गाइस, और क्या बोलेंगे, बस प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना गाइस, और जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सपा कराए, सपा कराए, सपा कराए, तब तक ले बाय।